हाय, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ध्यान होगा आपको, बुलाती है मगर जाने का नहीं। प्लीज इसी लाइन को फॉलो कीजिए, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। यही समय है हमारी शक्ति को दिखाने का। अगर कोई आस पड़ोस का बंदा या बंदी आपको बोले कि प्लीज यार यहां मिलते हैं वहां चलते हैं, मन नहीं लग रहा, प्लीज अपने मन को कंट्रोल रखिए। समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप आके पढ़िए, पर प्लीज लॉकडाउन को फॉलो कीजिए। चलिए, हमने अभी तक पिछले 3 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा। राजस्थान ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में देखा। चैप्टर नंबर 2 राजस्थान की स्थिति और विस्तार में हम देख रहे थे। राजस्थान की स्थिति हमारा कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान के विस्तार में 3 पार्ट थे, क्षेत्रफल, आकृति और सीमा, जिसमें हमने क्षेत्रफल और आकृति को कवर किया। अब आज हमें पढ़ना है सीमा, मतलब बाउंड्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड चैप्टर का 3rd पार्ट जिसे आज हमें स्टार्ट करना है वो है सीमा बाउंड्री। तो देखिए, कोई भी देश या कोई भी राज्य कभी भी बाउंड्री 3 तरह की ही बना सकता है, या तो अंतरराज्यीय सीमा, इंटर स्टेट बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और तटीय सीमा। अब लेकिन हमें पढ़ना है राजस्थान के संदर्भ में। तो देखिए, राजस्थान के आस पड़ोस में कोई भी तट, कोई भी समुद्र नहीं है। इसका मतलब राजस्थान के संदर्भ में तटीय सीमा हो गई 0 किलोमीटर। इसका मतलब राजस्थान के केस में तटीय सीमा की कोई भी मान नहीं है, 0 है राजस्थान की तटीय सीमा। तो हमें राजस्थान के संदर्भ में केवल और केवल 2 सीमाओं के बारे में पढ़ना है, वो है इंटर स्टेट बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्य सीमा। चलिए, पहला है अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री। सेकंड है अंतरराज्य सीमा, इंटर स्टेट बाउंड्री। जो राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है वो है 1070 किलोमीटर की, और यहां पर जो बनाता है अंतरराज्यीय सीमा वो है 4850 किलोमीटर की, और जो हमारी राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। तो देखिए, राजस्थान की स्थलीय सीमा की वैल्यू कितनी है 5920 किलोमीटर, जिसमें इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है 1070 किलोमीटर, इंटरस्टेट बाउंड्री बनाता है 4850 किलोमीटर। अब हम डिफरेंस देखेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा के बीच में क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा होती क्या है, जब कोई भी एक देश किसी अन्य देश के साथ सीमा का निर्धारण करता है तो उसको अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं, या जब किसी एक देश का कोई प्रोविंस किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाता है तो भी उसको अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। प्रोविंस मतलब स्टेट, ठीक है। अंतरराज्यीय सीमा क्या होती है, जब किसी एक ही देश के 2 प्रोविंस या जब किसी एक ही देश के 2 स्टेट आपस में बाउंड्री बनाते हैं तो उनको बोलते हैं अंतरराज्य सीमा, इंटर स्टेट। 2 राज्यों के बीच की सीमा, 2 स्टेट के बीच की सीमा, इंटर स्टेट बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री, 2 नेशंस के बीच में, या एक नेशन का एक स्टेट और दूसरा नेशन, उन दोनों के बीच की बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री। तो पहला पार्ट हम इसमें देखते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री का। थर्ड का ए पार्ट देखेंगे हम, इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है। ये किस देश के साथ लगती है राजस्थान की, तो राजस्थान की जो इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है नॉर्थ वेस्ट साइड में पाकिस्तान के साथ लगती है। तो यह लिख देते हैं अपन राजस्थान पाकिस्तान के मध्य। अब जब राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनेगी तो ऑब्वियसली बात है कि राजस्थान के कुछ हिस्से उसको टच करेंगे, उस बाउंड्री को टच करेंगे। तो उसमें राजस्थान के कौन कौन से हिस्से, 4 जिलों के हिस्से। अब वो 4 जिले कौन कौन से, तो राजस्थान के कितने जिले हैं इसमें, 4 जिले, ये इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं, श्री गंगानगर, प्रॉपर ही लिखते हैं श्री
गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, इस लाइन का जो जो भारत जो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनाती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सर रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इसका निर्धारण कब हुआ? इसका निर्धारण होता है 17 अगस्त 1947 को, भारत की आजादी के 2 दिन बाद। ठीक है, अभी इसका मैं बताता हूं आपको, इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 के, इसके पीछे की थ्योरी क्या है। तो भारत में पहले ब्रिटिश शासन हुआ करता था, जब हमारी आजादी से पहले, मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश शासन था। तो जब हमारे देश को उन्हें गणराज्य देना था, मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान जब यह तय हुआ कि भारत को एक अलग गणराज्य के रूप में संवारा जाएगा, विकसित किया जाएगा, तो जो यहाँ भारत में उस समय वॉइस रॉय हुआ करता था, तो उस वॉइस रॉय ने माउंट बैटन योजना चलाई। माउंट बैटन योजना जो कब आई थी? 3 जून 1947 को। तो माउंट बैटन योजना 3 जून 1947 आई, इसके द्वारा सीमा का निर्धारण किया जाना था। तो माउंट बैटन जी ने क्या किया, सीमा आयोग का गठन कर दिया। अब सीमा आयोग का किसके नेतृत्व में गठन किया? वो किया सर सिरिल रेडक्लिफ। तो देखिए, माउंट बैटन योजना आई 3 जून 1947 को, उसके द्वारा सीमा आयोग बनाया गया, और सीमा आयोग का अध्यक्ष था सर सिरिल रेडक्लिफ। तो इन महाराज जी ने क्या किया, 15 अगस्त 1947 से पहले तक तो कुछ नहीं किया, फिर आनन फानन में क्या किया, एक टेबल थी, टेबल पे राजस्थान और पाकिस्तान का नक्शा लिया, अपनी कलम उठाई और कलम से बाउंड्री खींच दी। तो ये पूरे विश्व जगत की एकमात्र बाउंड्री है जो कलम द्वारा खींची गई है, मतलब प्रैक्टिकली रूप में नहीं जाके देखी गई, एक मैप लिया, मैप पे डायरेक्ट खींच दी। इसका मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व की एकमात्र बाउंड्री कौन सी है जिसे कलम द्वारा निरूपित किया गया, कलम द्वारा आलेखित किया गया, कलम द्वारा खींचा गया, तो वो है सर रेड क्लिफ लाइन। सर रेड क्लिफ लाइन का जिसने खींची, उनका नाम क्या था महाशय जी का? सर सिरिल रेड क्लिफ। कब निर्धारण किया गया? 17 अगस्त 1947। चलिए, अब इंटरनेशनल बाउंड्री हमने देखा ये कितनी है, 1070 किलोमीटर की। तो इसकी शुरुआत भी तो कहीं होती होगी। अगर ये राजस्थान का नक्शा है, मान लीजिए काइल शेप में, तो मैंने क्या बताया कि राजस्थान की जो बाउंड्री है इंटरनेशनल बाउंड्री है, पाकिस्तान के साथ लगती है। यहाँ पे कहीं पाकिस्तान है अपना? अपना तो नहीं है, पराया है। तो चलिए, अब राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगती है, ये वाली लगती है, तो इसे बोलते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री, और ये जो होती है उसे बोलते हैं इंटर स्टेट बाउंड्री। तो डायग्राम भी बना लीजिए, थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। ये है ISB अंतरराज्यीय सीमा, ये है हमारी INB अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये है हमारी अंतरराज्यीय सीमा 1070 किलोमीटर की, लिए 4850 किलोमीटर की है। ठीक है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये राजस्थान, ये अपना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट से पाकिस्तान सीमा बनाता है। चलिए, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, इस डायग्राम को बना लीजिएगा आप कॉपी में। अब इसी के बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में हम पढ़े, राजस्थान पाकिस्तान के मध्य लगती है, राजस्थान के 4 जिले कवर होते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। आप अगर नॉर्थ से वेस्ट की तरफ चलेंगे, मतलब सीधे सीधे चलते जाना है आपको, श्रीगंगानगर, उसके बाद बीकानेर आता है, उसके बाद जैसलमेर आता है, उसके बाद बाड़मेर आता है। जब हम फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे तो आपको मैप एकदम रट जाएगा, बिना याद किए, बिना कोशिश किए, बिना याद किए रट जाएगा अपने आप। तो उसमें जब आप चलेंगे
नॉर्थ से वेस्ट की तरफ तो पहला डिस्ट्रिक्ट आता है श्रीगंगानगर, उसके बाद आता है बीकानेर, उसके बाद आता है जैसलमेर, उसके बाद आता है पाटन। इसका नामकरण किनके द्वारा किया गया? सर रेडक्लिफ के द्वारा। निर्धारण किसके द्वारा किया गया? निर्धारण कब हुआ? 17 अगस्त 1947 को। अब देखिए, अब ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर और राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री 1070 किलोमीटर। तो ये स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर का 18% है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है क्या कि राजस्थान की, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच सर रेडक्लिफ लाइन राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा का कुल कितना प्रतिशत है? तो 18% है, या राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री टोटल बाउंड्री राजस्थान का उसका 18% है। अब ये कैसे निकाल सकते हैं? 1070 डिवाइड बाय 5920 200 सोल्व करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। तो ये हमने पढ़ा कि 1070 किलोमीटर की है, 4 जिलों में फैली हुई है। अब 4 जिलों में फैली हुई है, हमें ये पता है कि श्रीगंगानगर से चल के आ रही है और बाड़मेर तक जा रही है। तो मुझे ये देखना है यहाँ पे कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसकी जो शुरुआत होती है, इस रेखा का जो प्रारंभ है वो है हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर। तो जो सब रेडक्लिफ लाइन है वो हिंदू मलकोट जो कि श्रीगंगानगर जिले में है, यहां से शुरुआत होती है इसकी। और इसका अंत कहां होता है? राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, इसका होता है शाहगढ़ या बाखाशर, शाहगढ़ या बाखाशर, और ये पड़ता है हमारा बाड़मेर में। ठीक है, तो इस लाइन का जो प्रारंभ है वो होता है हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर से, और इसका अंत होता है शाहगढ़ या बाखाशर जो कि बाड़मेर जिले में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या देख रहे हैं? इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इंटरनेशनल बाउंड्री में अगर ये मेरा राजस्थान का डायग्राम है तो ये वाला तो पार्ट कहां है? नॉर्थ वेस्ट वाला। तो मैं फटाफट से एक बार ऐसा कुछ बना लेता हूं, मतलब ये राजस्थान की नॉर्थ साइड होगी और ये वेस्ट साइड होगी। तो देखिए, ये हमारी हो गई सर सर रेडक्लिफ लाइन, और इधर पाकिस्तान हो गया, ये हमारा भारत और भारत में ये राजस्थान। चलिए, तो यहां पे है हमारा हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर की बात क्या आता है? यहां आता है बीकानेर, फिर आता है हमारा जैसलमेर, इसको ज्यादा बेहतर ऐसे लिखते हैं, यहां आता है बीकानेर, यहां आता है जैसलमेर, और यहां आता है बाड़मेर। तो हमारा हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर से शुरुआत होती है, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर और बाड़मेर पे जाके खत्म हो जाती है राजस्थान के संदर्भ में। वो बाड़मेर का कौन सा है? शाहगढ़ या बाखाशर। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब जो क्वेश्चन आता है वो भी इंपॉर्टेंट है। किलोमीटर और ये था 464 आता है यहाँ पे, और यहाँ पे आता है 228 किलोमीटर। एक बार एड कर लीजिए, 8 4 12 12 8 20 0। ठीक है, यही होगा। तो देखिए, हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर मतलब जो राजस्थान के इंटरनेशनल बाउंड्री है वो श्रीगंगानगर में 210 किलोमीटर, बीकानेर में 68 किलोमीटर, जैसलमेर में 464 किलोमीटर, बाड़मेर में 228 किलोमीटर।
तो टोटल जो हमारी सीमा होती है वो हो जाती है 1070 किलोमीटर। तो जो क्वेश्चन यहाँ से आता है, हमें बिल्कुल भी ये न्यूमेरिक वैल्यू याद नहीं करनी, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ से क्या हो जाता है, नोट लगा के लिखिए, राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ लाइन में संलग्न जिलों का लंबाई, जिलों का उनकी जिलों का लंबाई के अनुसार क्रम। अब सबसे ज्यादा लंबाई किसकी, जैसलमेर की। तो पहला आ गया हमारा जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद श्रीगंगानगर, उसके बाद बीकानेर। तो अभी तक का जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट यहां से बन के आ रहा है कि जो राजस्थान के साथ जो जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उन जिलों की जो सीमा बनती है उसका क्रम बताइए, या जो जो जिला सबसे ज्यादा सीमा बनाता है वो कौन सा जिला। तो वो जिला है जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर बनाता है, उसके बाद श्रीगंगानगर बनाता है, उसके बाद बीकानेर बनाता है। अगर आप ये न्यूमेरिक डिजिट याद कर ले तो ये आपकी श्रद्धा है, वरना याद करने की कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा अभी तक इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री राजस्थान की कितने किलोमीटर की, 1070 किलोमीटर की। इस रेखा को क्या बोलते हैं, सर रेड क्लिफ। ये राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा में कितना परसेंट योगदान देती है, 18% का। टोटल चार जिले आते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। शुरुआत कहां से होती है, हिंदुमलकोट श्रीगंगानगर से, खत्म कहां होती है, सागर या बाकाशर जो कि बाड़मेर में है। फिर जो सबसे ज्यादा बाउंड्री बनाता है वो डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर, और सबसे कम बनाता है वो है बीकानेर। हमने नोट में पहला पॉइंट देखा लंबाई के अनुसार उनका क्रम, अब नोट में ही हम सेकंड पॉइंट देखेंगे। एक बार लिख लीजिए, मैं सब समझा दूंगा ये वाला पॉइंट क्या है। देखिए, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आने वाला निकटतम जिला यह है श्रीगंगानगर। ठीक है, नोट नंबर 3, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आने वाला सबसे दूर जिला मुख्यालय ये हो जाएगा बीकानेर। इंग्लिश में अभी कर दूंगा प्रोनाउंसिएशन। नंबर 4, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री पे ही हमें देखना है कि कौन सा निकटतम जिला है मुख्यालय, तो वो है श्रीगंगानगर में। अगर हम पूरी इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें
तो उस पे जो मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री पे बात करेंगे तो टोटल चार जिलों की तो बात करेंगे, तो उनमें से सबसे दूर जिला मुख्यालय वो है बीकानेर। अब यहाँ क्या होता है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इधर वाली तो पूरा राजस्थान जिला, तो यहाँ से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो ऑब्वियसली बात है इष्ट का होगा, और इष्ट में कौन सा है, धौलपुर। ठीक है, तो इसमें इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ राजस्थान, ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ राजस्थान, फ्रॉम इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ राजस्थान, फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट धौलपुर। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑन द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ राजस्थान नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बीकानेर, ऑन द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ राजस्थान नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर श्रीगंगानगर। ठीक है, नियरेस्ट हो गया फॉरेस्ट, सॉरी। ठीक है, कंप्लीट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे, हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा था, सेकेंड चैप्टर में हम देख रहे थे राजस्थान का एक्सटेंशन, राजस्थान का विस्तार। इसमें हमने दो पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए थे, क्षेत्रफल और आकृति का। आज हम थर्ड पार्ट पे चले, थर्ड पार्ट ही बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसमें हमने पहला पार्ट देखा इंटरनेशनल बाउंड्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब हमें जो चालू करना है वो है अंतर्राज्यीय सीमा। तो थर्ड का जो भी पार्ट है वो है अंतर्राज्यीय सीमा। अब अंतर्राज्यीय सीमा मतलब इंटर स्टेट बाउंड्री। ठीक है, अब देखिए जो इंटर स्टेट बाउंड्री है सबसे पहले कितने किलोमीटर की है, 4850 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने देखा वो थी 1070 किलोमीटर की, ये है 4850 किलोमीटर की, टोटल थी 5920 किलोमीटर की। वो देती थी इंटरनेशनल बाउंड्री पूरी सीमा में योगदान 18% था, तो ऑब्वियसली ये कितनी देगी, 82%। तो एक राजस्थान की स्थलीय सीमा में 82% का योगदान। ठीक है, अब जो हमारे राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो किन किन राज्यों से लगते हैं, यही तो आएगा अंतर्राज्यीय सीमा। तो इसमें राजस्थान टोटल 5 राज्यों से घिरा हुआ है, तो हमें इसमें अंतर्राज्यीय सीमा में कितने राज्य कवर करने, 5 राज्य। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है पंजाब, उसके बाद आता है हरियाणा, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का, उसके बाद आता है एमपी, एमपी में मामा जी का शासन वापस आ गया है, कमलनाथ जी की कुर्सी हटा दी है, तो पंजाब हरियाणा यूपी एमपी, और उसके बाद आता है मेरा फेवरेट मोदी जी का फेवरेट गुजरात, फेवरेट राजस्थान की गुजरात में फेवरेट है मोदी जी की वजह से। ठीक है, तो 5 राज्य राजस्थान के साथ अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं, पहला आता है पंजाब, उसके बाद आता है हरियाणा, उसके बाद आता है यूपी, उसके बाद आता है एमपी, उसके बाद आता है गुजरात। राजस्थान का नक्शा कुछ ऐसा ही, तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये तीनों एरिया मतलब नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, ये तीनों इलाके राजस्थान की अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। यहाँ आता है पंजाब, यहाँ आता है हरियाणा, यहाँ आता है यूपी, यहाँ आता है एमपी, यहाँ आता है गुजरात। अभी देखिए, और ये वाला पार्ट क्या था, सर्वेटिक लाइन थी, मतलब ये इंटरनेशनल बाउंड्री थी, 1070 4850 टोटल 5920। अब बात करें हम कि पंजाब कितने किलोमीटर की बनाता है, हरियाणा कितने किलोमीटर की बनाता है, यही कहते हैं, तो पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर की, पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर की, ये बनाता है 1262 किलोमीटर की, उसके बाद यूपी बनाता है 877 किलोमीटर की, ये बनाता है 1600 किलोमीटर की, 89 किलोमीटर 1262 किलोमीटर, और ये बनाता है 1072 किलोमीटर। अभी मैंने अपने तरीके से याद किया होगा, आप अपने तरीके से कुछ भी जुगाड़ करके याद कर सकते हैं, बट आपको कोई भी जरूरत नहीं इनको याद करने की।
ठीक है, तो राजस्थान पंजाब राज्य से टोटल निवासी किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है, हरियाणा से बनाता है 1262 किलोमीटर की, यूपी के साथ बनाता है 877 किलोमीटर की, एमपी के साथ बनाता है 1600 किलोमीटर की, गुजरात के साथ बनाता है 1200 किलोमीटर की। तो जैसा हमने देखा था इंटरनेशनल बाउंड्री में लंबाई के आधार पर प्रमुख, उसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे। तो लिख लीजिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो लंबाई के अनुसार नोट आके लिखिए, राजस्थान से संलग्न राज्यों की सीमाओं का लंबाई के अनुसार क्रम सबसे ज्यादा किसकी है? देखिए एमपी की, तो सबसे पहले आएगा मामनी का एमपी, उसके बाद क्या आएगा हरियाणा खट्टर साहब आएंगे, उसके बाद मामा जी आ गए, खट्टर साहब आ गए, उसके बाद आएगा हमारा गुजरात। कौन सी रात? गुजरात। उसके बाद आएगा यूपी और उसके बाद आएगा पंजाब। ठीक है, तो हमने ये देखा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां वो था कि राजस्थान के इंटरनेशनल बाउंड्री किन जिलों के साथ लंबाई का क्रम क्या है। तो राजस्थान से संलग्न राज्य टोटल है 5 जो राजस्थान के साथ इंटरस्टेट बाउंड्री बनाते हैं, उनका क्रम क्या है? सबसे ज्यादा एमपी की बॉर्डर आती है, उसके बाद हरियाणा की बॉर्डर, उसके बाद गुजरात की बॉर्डर, उसके बाद यूपी की बॉर्डर, उसके बाद पंजाब की बॉर्डर। आपको न्यूमेरिक डिजिट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप याद करते हैं तो ये आपकी श्रद्धा या आपकी भक्ति। चलिए उसके बाद हम देखते हैं अंतरराज्य सीमा हमारा हो चुका है, मतलब इतना बात हो गया, आगे देखते हैं। तो अगर मैं राजस्थान के इस नक्शे की बात करूं तो ये पंजाब, मतलब इधर का जो पार्ट है पंजाब के साथ सीमा बनाता है, इधर हरियाणा, हरियाणा, इधर आएगा यूपी, इधर आएगा हमारा एमपी और इधर आएगा हमारा गुजरात। जी जी ठीक है, तो पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात, तो थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा यहाँ पे कि पंजाब और हरियाणा नॉर्थ ईस्ट को कवर कर रहे हैं, यूपी और एमपी ईस्ट साउथ को कवर कर रहे हैं और जी जी हमारा साउथ वेस्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक दो राज्य तो आज देख लेते हैं, बाकी का कल देखेंगे। चलिए इसमें पहला राज्य आता है पंजाब। हमें ये देखना है कि राजस्थान पंजाब के किन किन जिलों से सीमा बनाता है। तो राजस्थान पंजाब के सॉरी पंजाब राजस्थान के किन किन जिलों से सीमा बनाता है, तो पंजाब राजस्थान के श्री गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाता है टोटल 2 जिले। ठीक है, यह आप बिल्कुल याद रखना, पंजाब श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, श्री हनुमान, ठीक है, हनुमान जी भगवान हैं और उनको और ज्यादा इज्जत देने के लिए जैसे हम लगाते हैं श्री श्री एक हजार श्री, तो उसी प्रकार हनुमान जी को और ज्यादा इज्जत देने के लिए श्री लगा पा, तो श्री हनुमान, तो श्री से श्री गंगानगर, हनुमान से हनुमानगढ़। तो पंजाब में आपको ट्रिक याद करनी है, श्री हनुमान 2 जिले आएंगे, श्री गंगानगर और हनुमान, मतलब राजस्थान के 2 जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब जिले के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कवर हुआ। सेकंड था हमारा हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा की ट्रिक क्या है, जय भजो हनुमान शेखावटी आए, जय भजो हनुमान शेखावटी आए, जैसे क्या,
जयपुर, भर से क्या, भरतपुर, हनुमानगढ़, अलवर। ये तो अपने आप में एक एरिया है, शेखावटी। शेखावटी किन तीन जिलों को बोलते हैं? चूरू, सीकर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो हरियाणा के साथ जो टोटल जिले हैं कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। तो हरियाणा के साथ राजस्थान के सात जिले सीमा बनाते हैं। ट्रिक क्या है? जय भजो हनुमान शेखावटी आई। जय से जयपुर, भजो से भरतपुर, हनुमान से हनुमानगढ़, शेखावटी आय आय से अलवर। और शेखावटी किन जिलों को बोलते हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू। इन तीनों के मिक्सचर को प्रॉपर एक टर्मिनोलॉजी दी है, वो है शेखावटी। तो पंजाब, राजस्थान के दो जिले पंजाब से सीमा बनाते हैं, वो है श्री हनुमान, मतलब श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ सात जिले सीमा बनाते हैं, जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर। जय भजो हनुमान शेखावटी आय, सात जिले। उसके बाद बात करते हैं हम आदित्यनाथ जी के प्रदेश की। जो थर्ड प्रदेश है, थर्ड राज्य है, वो है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की ट्रिक है, या उत्तर प्रदेश के साथ जो दो जिले बनाते हैं वो है हमारे भरतपुर प्लस धौलपुर, भरतपुर कोमा धौलपुर। इसकी ट्रिक तो सबसे सिंपल है, बीड़ी। दो जिले भरतपुर धौलपुर की तरफ, बीड़ी बीड़ी ज्यादा फूकते हैं वृद्ध लोग, तो बीड़ी बीड़ी, बी फोर भरतपुर, डी फोर धौलपुर। तो हमने आज तीन राज्यों को देखा जो कि राजस्थान के साथ इंटर स्टेट बाउंड्री बनाते हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी। पंजाब में, पंजाब के साथ कितने जिले संलग्न है राजस्थान के? दो जिले, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। ट्रिक क्या थी? श्री हनुमान। उसके बाद हमने देखा हरियाणा, हरियाणा के साथ राजस्थान के टोटल कितने जिले संलग्न है? सात। कौन कौन से? जय भजो हनुमान शेखावटी आए, जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर। ठीक है, उसके बाद यूपी। राजस्थान के टोटल दो जिले यूपी के साथ संलग्न है, भरतपुर, धौलपुर, जिसकी ट्रिक हो जाएगी बीड़ी। चलो उसके बाद हम फोर्थ और फिफ्थ कल देखेंगे। एक चीज मेरे दिमाग में क्लिक कर दी जो मैं आपको बताना भूल गया, हम इंटरनेशनल बाउंड्री में वापस आएंगे। इंटरनेशनल बाउंड्री, आईएनबी। मैं भी इंसान हूं यार, भूल सकता हूं, तो मेरे दिमाग में पढ़ाते पढ़ाते क्लिक हो रही थी यार, अपन वो भूल गया है। चलिए, तो हमने क्या देखा था? ये वाली क्या थी? इंटरनेशनल बाउंड्री 1070 किलोमीटर की थी, 1070 किलोमीटर थी। तो देखिए, ये राजस्थान के यहाँ पे कौन कौन से जिले आ रहे थे? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो यहाँ ये है पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान के दो प्रांत आते हैं, दो प्रोविंस आते हैं। ठीक है, ये होगी सरहदी लाइन, यहाँ आ गया अपना श्रीगंगानगर, यहाँ आ गया हमारा बीकानेर, फिर आ गया हमारा जैसलमेर, उसके बाद आ गया बाड़मेर, और ये हो गया पाक। तो पाक के दो प्रांत हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, जो कि राजस्थान से टच में है या सरहदी लाइन के टच में है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, मान लो ये पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का और ये सिंध प्रांत है। तो हमें ये देखना है कि पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के भी कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान से टच करते हैं। तो टोटल ये नौ जिले होते हैं। पंजाब प्रांत के हैं तीन जिले, पंजाब प्रांत ये पाकिस्तान के नहीं, दोनों पाकिस्तान। तो पंजाब प्रांत के हैं टोटल तीन जिले। तीन जिले कौन कौन से हैं? पंजाब प्रांत तीन जिले कौन कौन से हैं? बहावलपुर, बहावलनगर,
रहीम या खान, ठीक है। तो जो राजस्थान के यहाँ पे टोटल 4 जिले थे, ये पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 जिलों से लग रहे हैं, मतलब ये जो रेड टिप लाइन है इसके बगल में पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। तो पंजाब प्रांत में कौन कौन से जिले आते हैं? बहावलपुर, बहावलनगर, रहीमयार खान, इसे दूसरा नाम है रहीमयार खान, दोनों नाम सही है। तो बहावलपुर, बहावलनगर और रहीमयार खान, ये पंजाब प्रांत, और ये कौन किसका प्रांत है? पंजाब पाकिस्तान का, ये जो बहावलनगर है ये सर्वाधिक मतलब लंबी सीमा का निर्माण करता है, सबसे लंबी सीमा बनाता है बहावलनगर, ठीक है। उसके बाद बात करें हम सिंध प्रांत की, तो इसके हैं टोटल 6 जिले, ठीक है। इसके टोटल 6 जिले कौन कौन से? पहला है घोटकी, खेरपुर, उमरकोट, ठीक है। देखिए जो इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे थे राजस्थान के जो 4 जिले, तो राजस्थान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के साथ बेसिकली सीमा बनाता है। अभी हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम पाकिस्तान के 2 प्रांत देखें जिनके साथ राजस्थान की अटैच है सीमा, वो है पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के कौन कौन से जिले हैं? 3, भावलपुर, भावलनगर, रहिमयार खान या रहिमयार खानपुर। तो इनमें से इन 9 में से भावलनगर है जो सबसे लंबी सीमा बनाता है, ठीक है। उसके बाद सिंध प्रांत, सिंध प्रांत पंजाब प्रांत के नीचे है। सिंध प्रांत के टोटल 6 जिले हैं, घोटकी, सुक्कर, संगर, खेरपुर, उमरकोट और थारपारकर। तो इन 9 जिलों में से सबसे लंबी बनाता है भावलपुर, सबसे छोटी बनाता है खेरपुर, सबसे छोटी सीमा, ठीक है, घोटकी। तो हमारा ये आज यहीं एंड करते हैं इस क्लास को, आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। अगर आपके किसी भी तरह के डाउट होते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, अगर आपको कोई फिर भी डाउट आता है तो आप इससे ईमेल कर सकते हैं। samarthedu17@gmail.com या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। समर्थ क्लासेस की ऑफिशियल ईमेल आईडी है samarthedu17@gmail.com। समर्थ क्लासेस का ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट है 8112221369। तो आप कभी भी इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।